हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों और पेंशन के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसका फ़र्क सीधा सीधा आपके पेंशन और सैलरी पर पड़ने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोज़ को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। बेसिकली अभी मीडिया में बड़ी खबर आ रही है आपके फिटमेंट फैक्टर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से 2.57 गुना आपको फिटमेंट फैक्टर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होती है या फिर सैलरी और पेंशन आपकी बढ़ती है। इसके बाद अभी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जी हाँ, सरकार की तरफ से जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, या बोल सकते हैं कि यूनियंस की तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसकी बैठक जो है कैबिनेट बैठक, या बोल सकते हैं कि यूनियंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ और अन्य अधिकारियों की बैठक जो है इस महीने के लास्ट तक हो सकती है, ऐसी मीडिया में खबरें आ रही हैं। हालांकि ये र्यूमर भी हो सकता है, इनमें बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी भी नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि यूनियन की तरफ से कोई ना कोई ड्राफ्ट तैयार किया गया हो इसके रिगार्डिंग। तो ड्राफ्ट में बेसिकली कर्मचारियों और पेंशनर्स की हमेशा से जो है सातवें वेतन आयोग के बाद से ही कर्मचारियों और पेंशनर्स की और यूनियंस की भी सरकार से रिक्वेस्ट रही है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ा करके 3.68 गुना तक किया जाए, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो सैलरी और पेंशन है उसमें काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हो सके। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी को पता है कि आपको सातवें वेतन आयोग के हिसाब से मिनिमम सैलरी आपको 18,000 रुपये बेसिक आपको प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन अगर वाकई में इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है जो कि 2.57 है, अगर उसमें बढ़ोतरी होती है जो कि 3.68 गुना तक इसमें रिक्वेस्ट की गई है, अगर ऐसा वाकई में होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो बेसिक सैलरी है, स्पेशली सैलरी जो है 18,000 रुपये से बढ़ करके 26,000 रुपये तक हो सकती है, ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। लेकिन ये सब खबरें अभी मीडिया में आ रही है, सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ ऑफिशियल इस मंथ के लास्ट तक जारी किया जाएगा तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा, ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।